नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको छठ मैया की पौराणिक कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी और वे दोनों इस बात से बड़े दुखी थे कि दोनों को संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर बहुत भटकना पड़ा। बाद में वो महर्षि कश्यप की शरण में गए। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ पूरा करवा दिया और यज्ञ सफल हो गया और रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 9 महीने के बाद एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही वे खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मैया प्रकट हो गई और राजा को उन्होंने समझाया। छठी मैया ने राजा से कहा, जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठी माता की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा भी सुनी। माता ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद राजा के घर भी एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया और तभी से छठ का महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ सभी लोग मनाने लगे। यह थी छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को विश्वास और श्रद्धा के साथ करने से निसंतान औरतों को भी संतान की प्राप्ति होती है और छठी मैया उनकी संतान पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है, उनको लंबी आयु प्रदान करती है। हे छठ माता, जैसे आपने राजा और रानी के साथ किया, वैसे ही आपके व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले सभी को देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना।